बाथरूम में इश्की कैसे हो गई बेहोश, सालों पहले राजवीर के पिता ने की थी कौन सी गलती जिसे दोहरा रहा है राजवीर सिंघानिया, क्या राजवीर की कंपनी में हुआ इश्की और मिशा का सिलेक्शन। इश्की राजवीर से बहुत नाराज थी, उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसके पति ने उसे सबके सामने इग्नोर कर दिया था। राजवीर मुझे इग्नोर कैसे कर सकते हैं, आज उनकी वजह से मेरी उस रेहान के सामने इतनी इंसल्ट हो गई। कि तभी राजवीर रूम में आ जाता है और इश्की को देखते ही वो समझ जाता है कि इश्की उससे बेहद खफा है। नाराज हो मुझसे? आप अगर दुनिया के सामने अपनी बीवी को पहचानना ही नहीं चाहते तो भला मुझसे शादी क्यों की? इश्की, मैंने अपनी बीवी को नहीं, मेरी कंपनी में इंटर्नशिप के लिए आई एक लड़की को इग्नोर किया था, और मैं तुम्हें समझा चुका हूँ कि वहाँ तुम्हें कोई VIP ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा। अरे मैंने आपसे कौन सा VIP ट्रीटमेंट मांग लिया, मेरे गुड मॉर्निंग का ही जवाब दे देते आप। क्यों, बात क्यों बढ़ा रही हो, मैं कई बार कह चुका हूँ ऑफिस में तुम मेरी बीवी नहीं हो। राजवीर की बातों ने इश्की को और भी उदास कर दिया और वो गुस्से में बाथरूम चली गई। राजवीर को भी अब एहसास हो चुका था कि उसने इश्की को कुछ ज्यादा ही सुना दिया था। राजवीर इश्की के बाथरूम से बाहर आने का वेट करने लगा। इश्की को बाथरूम में अब काफी देर हो चुकी और ये बात राजवीर को भी खटक रही थी। वो तुरंत दरवाजे की ओर गया और नॉक करते हुए बोला, इश्की, इश्की क्या अंदर ही रहने का इरादा है? राजवीर की बात का इश्की ने कोई जवाब नहीं दिया और ये सब राजवीर की चिंता को बढ़ाए जा रहा था। दरवाजे को नॉक करता हुआ वो चिल्ला रहा था, इश्की दरवाजा खोलो, ये क्या मजाक है, इश्की सुन रही हो तुम? जब बाथरूम में से कोई जवाब नहीं आया तो राजवीर ने बाथरूम का दरवाजा तोड़ दिया और अंदर का नजारा देखकर वो हिल गया। बाथरूम के फर्श पर इश्की बेहोश पड़ी थी और उसके सिर से खून बह रहा था। इश्की क्या हुआ तुम्हें, आंखें खोलो इश्की। राजवीर ने इश्की को होश में लाने की कोशिश की और जैसे तैसे करके इश्की होश में आ गई। ये सब कैसे हुआ, तुम बेहोश कैसे हो गई और ये चोट कैसे लगी? मेरी इस हालत के जिम्मेदार आप हो राजवीर। मैं कैसे, ये क्या कह रही हो तुम? इसके बाद जो जवाब इश्की ने दिया उसे सुनकर राजवीर बेहद शर्मिंदा हुआ, क्योंकि इश्की की इस हालत का जिम्मेदार वही था। राजवीर को अब खुद पर गुस्सा आ रहा था। वहीं दूसरी ओर इश्की की बेइज्जती के बाद अर्नव अपनी बहन से काफी नाराज था। तुम्हें क्या जरूरत थी ये सब उस बच्ची से कहने की, ये मत भूलो कि वो इस घर की बहू है। तो क्या झूठ बोला है मैंने, आप लोगों ने न जाने कैसे एक अनाथ को इस घर की बहू बना दिया। आप इश्की की भुआ सास हैं, उसके बारे में ऐसी बातें आपको शोभा नहीं देती। मेरा उस लड़की से कोई वास्ता नहीं है और आज तेरे बेटे ने भी वही किया जो सालों पहले तूने किया था। तुम दोनों बाप बेटे एक ही जैसे हो। बस करो, ये जहर उगलना बंद करो, और अगर आज के बाद फिर से तुमने गड़े मुर्दे को उखाड़ने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अर्णव और उसकी बहन के बीच हुए उस झगड़े ने मिशा और रूही को ये सोचने पर मजबूर कर दिया था कि आखिर उनके बीच अतीत के किस राज को लेकर बात हो रही थी। ये बुआ किस बारे में बात कर रही थी? पता नहीं, लेकिन लगता है कि ऐसा कुछ जरूर है जिसे सबसे छुपा कर रखा गया है। राजवीर इश्की की हालत के बाद काफी परेशान था और ऑफिस पहुंचकर उसने अपने असिस्टेंट से पूछा, वो जो कल इंटर्नशिप के लिए कुछ इंटरव्यूज हुए थे उनमें से कौन कौन सिलेक्ट हुआ, उसकी रिपोर्ट मुझे अभी के अभी चाहिए। राजवीर के टेबल पर सिलेक्ट हुए कैंडिडेट्स की लिस्ट थी जिसे देखकर उसके चेहरे का रंग उड़ गया। क्या इश्की और मिशा का हो गया है सिलेक्शन, या बीवी के लिए वो करेगा अपने उसूलों से समझौता? क्यों इश्की की इस हालत का है राजवीर जिम्मेदार? अर्णव और राजवीर का क्या राज दफन है सिंघानिया हाउस की दीवारों में? ये सब जानने के लिए सुनिए इसका फुल एपिसोड। फुल एपिसोड सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक कीजिए और वीडियो में पूछे गए सवाल का जवाब देना ना भूले, जिसका जवाब आपको उसी फुल एपिसोड में मिलेगा। कमेंट करने वाले 10 लकी विनर्स को मिलेंगे 500 कॉइन्स। तो सुनते रहिए डेविल से शादी सिर्फ पॉकेट FM ऐप पर। डाउनलोड नाउ।